हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सामान्य विज्ञान का है, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान का एक मास्टर वीडियो पढ़ेंगे जहां पर आपके 71 प्रश्न हैं, और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अर्थात UPPCS में पूछे गए हैं। तो ये मान लीजिए कि 71 प्रश्न आपके जो आने वाले एग्जाम में हैं, लगभग भौतिक विज्ञान में यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको तीन मास्टर वीडियो देंगे, एक आपका जो ये है आपका भौतिक विज्ञान का मास्टर वीडियो, सेकेंड पार्ट जो होगा आपका वो रसायन विज्ञान का आपका मास्टर वीडियो होगा, और तीसरा पार्ट आपका होगा वो आपके जीव विज्ञान का मास्टर वीडियो होगा। और ये अगर तीन आप पार्ट लगा लेते हैं तो यकीन करिएगा कि आपके जो जनरल साइंस है उसका लगभग आपका 75% आपका जो जनरल साइंस है कवर हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी GS हिंदी और आपके जो कि सामान्य विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो गया आपका ऊर्जा की आपकी होती है। वहीं पर अगर बात करें आवेश की तो आवेश की क्या होती है आपकी? कूलाम होती है। और विभवांतर की बात करें तो विभवांतर की होती है आपकी वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट। और आपकी शक्ति क्या होती है? तो शक्ति की आपकी होती है वाट होती है, ठीक है ना, वाट। और इसका ऑप्शन राइट आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो भाई क्या मापते हैं इससे? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर लंबवत कोण, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर दिया है कि जो ए नंबर है आपका लंबवत कोण मापते हैं, अर्थात जो थियोडोलाइट होता है उसे लंबवत कोण, और आपका जो एक्टियोमीटर होता है, ठीक है, एक्टियोमीटर होता है उससे सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन करते हैं। वहीं पर श्यानता की अगर बात करें कि श्यानता का मापन कैसे होता है, तो ये होता है विस्कोसिटी, अर्थात विस्कोसिटी से श्यानता की, द्रवों की श्यानता मापते हैं, ठीक है ना। और भूकंप की तीव्रता को जो मापते हैं वो आपका सिस्मोग्राफ, अर्थात भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, कॉस्मिक किरणों के संबंध में दिए गए विकल्पों में से विचार कीजिए, ठीक है। कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें आपके आवेशित कण होते हैं, क्या होते हैं? ये आपके आवेशित कण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ व्याख्या दी है कि कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, ये अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से गमन करती हैं। ये पॉइंट आपको देख लेना है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति ब्रांड का परास होता है, तो जो FM प्रसारण में प्रयुक्त होता है उसकी आवृत्ति ब्रांड कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डी अर्थात 88 से 108 MHz के मध्य होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो तरंगों का उपयोग होता है वो रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में, और जो आपका होता है सेल्यूलर, आपके जो सेल्यूलर फोनों में अति उच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। वहीं पर अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। यहाँ पर FM की बात की गई थी, तो FM में जो प्रसारण सेवा में होता है उसकी ब्रांड जो आपकी होती है वो आपकी 88 से 108 होती है। और अगर बात करें TV, तो TV प्रसारण सेवा में जो आपकी होती है वो 54 से लेके आपकी कितनी होती है? 890 तक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि परास्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परास्रव तरंगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट कह रहा है ये कीड़ों को नष्ट करती हैं, ये बात सही है। दूसरा है ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। चौथा आपसे कह रहा है ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती हैं, अर्थात ये भी आपका सही है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन आपका दिया है ये सही, अर्थात आपका डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका, ये जो दिया है PDF, आप PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और आसानी से इसको PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि यक्ष किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यक्ष किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए ही जो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो एक्स किरणों का उपयोग होता है चिकित्सा के लिए, ठीक है ना, और सीटी स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन का आपने नाम सुना होगा, सीटी स्कैन क्या होती है, बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने आदि, मतलब कह सकते हैं सीटी स्कैन जैसा आपका ये भी काम आपको करती है जो आपकी एक्स किरणें होती हैं, जैसे सीटी स्कैन करना है या बहुमूल पत्थरों को करना है या उनमें खराबी है तो आपका इसी के द्वारा ही करते हैं, एक्स किरणों के द्वारा। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट कह आपसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन है, तो आपकी विद्युत चुंबकीय आधारित आपकी प्रेरणा आपकी कौन सी हो जाएगी, डायनोमो। ठीक है, डायनोमो, और ये आपके देख लीजिए डायनोमो के बारे में कि डायनोमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक्रोफोन, ट्रांसफार्मर, डायनमो या विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है, इस सिद्धांत का विद्युत मोटर पर आधारित होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो आपकी ये आपकी सेंटीग्रेड नहीं है लेकिन वहीं पर आपकी कैलोरी, अर्ग, जूल ये आपकी होती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका डिस्क्राइब किया गया है कि ऊष्मा अर्थात हीट का एसआई मात्रक जूल है और ऊष्मा की अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई होती है, थर्म होती है, ताप का मात्रक आपका सेंटीग्रेड, अर्थात ये ताप का मात्रक वही आपका सेंटीग्रेड है ना कि ऊष्मा की है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो ऋणात्मक मान जो नहीं होता है आपके किस में नहीं होता है, तो केल्विन में ऋणात्मक मान कभी आपका नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, इनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2:3, क्योंकि ये आपकी रूढ़ में होती है, अनुपात में होता है ना, अर्थात कह सकते हैं कि 4/9, ठीक है, जो सूत्र होता है तो आपका इसका आएगा 2, इसका आएगा आपका कितना 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। निष्कर्ष आपसे जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके किस में आता है, उसके आयाम में परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके आयाम में परिवर्तन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्पण से परावर्तित होने पर तरंग के आयाम में परिवर्तन हो जाता है जबकि तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, वेग में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, अर्थात जो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है इसका कारण आपका क्या है, तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा भूक्रोड के अंदर की चक्र रेखाएं। ठीक है, भूक्रोड के अंदर जो चक्र रेखा धाराएं हैं उसी के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10^-13 मीटर के बराबर होती है, तो 10^-13 मीटर के बराबर कौन सी होती है, 13 का ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपकी एक एक्सरे यूनिट होती है ये इसके बराबर आपके होती है। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से कितने किसके बीच होता है, तो नैनो कण का जो आकार होता है वो किसके बीच में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1 mm से लेके आपके लेके 100 nm तक आपका होता है। ठीक है, 1 mm से लेके 100 nm तक आपका होता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे पुच्छल तारे अर्थात जो धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है, जो पुच्छल तारे होती हैं इनकी जो दिशा होती है हमेशा कैसी होती है, सूर्य से दूर की ओर होती है। ठीक है, सूर्य से दूर की ओर होती है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगी इसलिए हमने यहाँ पर आपका चाहा कि ये वीडियो आपके लिए बना दें और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना, निष्कर्ष आपसे कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है आपकी, तो ये आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। निष्कह रहे पत्थर को ठोकर मारने में चोट लगने का कारण क्या है, अगर पत्थर में ठोकर मारते हो तो इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया वो देता है, वो क्या देता है, प्रतिक्रिया, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी आपको बोला गया है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। निष्कह रहे आपसे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, संवेग और वेग के अनुपात से जो आपकी भौतिक राशि बनती है वो आपकी द्रव्यमान बनती है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता,
बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो कारण आपका यही होगा कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो परिवर्तित करती है ये आपकी कौन सी है? तो बी इसका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन से हो जाएगा? तो बी हो जाएगा जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर होता है वो आपको डीसी के एसी में आपका कन्वर्ट करता था, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी? ठीक है, इसका हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जो कि आपका सवाल से संबंधित होगा। ठीक है, जो आपके इसमें से सवाल हैं तो सवाल के स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे जो आपके पूरे के पूरे आपके सवाल आपको देखने के मिलेंगे जो कि हर चैप्टर से संबंधित। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर अगर हम सवाल सॉल्व कराएंगे तो समय लग जाएगा इस कारण से। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, तो जो एसी परिपथ होते हैं उनमें से एसी मीटर मापते हैं वो क्या? तो वो मापते हैं आपके जो कि आरएमएस मान मापते हैं। ठीक है, आरएमएस मान मापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आरएमएस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब भी आपको दे दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि टंगस्टन का इसलिए प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं कि जो आपका टंगस्टन होता है इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। क्या होता है? गलनांक बहुत ऊंचा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, ये किस कारण होता है, कैसे होता है, इसका कहते क्या है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है उसे बोलते हैं, कह सकते हैं कि आपका प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन इसे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ये आपका शुद्ध होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपका डी दिया गया, अपवर्तन। अपवर्तन नहीं कह सकते हैं, वर्ण का विक्षेपण, जो वर्ण विक्षेपण होता है उसी के माध्यम से प्रिज्म से आपके विभिन्न रंगों में, जिसे विजोर के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आपका होगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि लेंस किससे बनता है, जो लेंस होते हैं वो आपके किससे बनते हैं? तो एक कांच होता है आपका फ्लिंट कांच, जो फ्लिंट कांच होता है उससे आपके क्या बनते हैं? आपके लेंस बनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जो स्टेथोस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 26 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर आपका स्टेथोस्कोप कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेथोस्कोप है क्या, तो स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र है जो ध्वनि के परावर्तक के सिद्धांत पर आधारित है, और ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है ये आपकी स्थित ऊर्जा होती है, अर्थात कह सकते हैं जो आपकी घड़ी होती है उसमें से चाबी होती है ना, उसको भरते हैं तो जब भरने के बाद जो ऊर्जा होती है आपकी स्थित ऊर्जा होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे फ्यूज तार की विशेषता होती है, जो आपके फ्यूज तार लगाए जाते हैं परिपथ में उनकी विशेषता क्या होती है? तो विशेषता इनकी कह सकते हैं ये होती है कि ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक के होते हैं। क्या होते हैं? उच्च प्रतिरोध के होते हैं और निम्न गलनांक के होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक किलोग्राम निम्नलिखित में से तुल्य होता है, तो एक किलोग्राम जो भार होता है वो किसके तुल्य होता है, कितने न्यूटन के होता है? ये तो आपको नॉर्मल याद होना चाहिए कि 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि एक किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होते हैं, और ये मतलब व्याख्या दिया गया है। ठीक है, इसका व्याख्या दे दिया गया है कि एक किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होते हैं, और एक किलोग्राम भार का अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर एक किलोग्राम भार द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण, अर्थात ये जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट कह आपसे एनेमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो एनेमोमीटर से जो मापन करते हैं वो किसका करते हैं? तो 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात पवन वेग मापते हैं। ठीक है, पवन का वेग नापते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे आपसे सोनार अधिकांशता प्रयोग में आता था, जो सोनार विधि आपने सुना होगा, तो सोनार विधि होती है उससे क्या मापते हैं और यह किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो समुद्र के अंदर की जो कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर जो गहराई होती है उसमें छुपी वस्तुओं को सोनार के होती है, तो इसमें ऑप्शन का हो जाएगा डी, अर्थात नौ चालकों द्वारा सोनार विधि अपनाई जाती है। ठीक है ना।
यहाँ पर सोनार का मतलब भी आपको दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। सोनार मतलब होता क्या है कि समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने, इसमें से पराशरब तरंगे। याद रखना कि जो सोनार विधि होती है उसमें से आपके पराशरब तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आपका दे दिया गया है, मतलब कि आपको पीडीएफ डाउनलोड ही करना पड़ेगा, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी नोट कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे जी स्पेक्ट्रम में जो अक्षर जी है ये शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है, जी किस लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जनरेशन, अर्थात जैसे आता है 2G होता है, 4G होता है, 5G है, तो ये आपके जी मतलब जनरेशन होता है, अर्थात 2G में आप देख सकते हैं जी क्या है, जनरेशन आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता था। जो कोबाल्ट 60 होता है ना, ये चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो उत्सर्जित करता है वो उत्सर्जित क्या करता है, ऑप्शन राइट का सी हो जाएगा, गामा किरणें। क्या करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि यदि किसी चुंबक को समान लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों में क्या परिवर्तन होगा, तो भाई दोनों में परिवर्तन ये होगा कि दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, तो दोनों ही टुकड़े क्या करेंगे, दोनों ही टुकड़े चुंबकत्व का कार्य करेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता था, विद्युत उपकरणों में जो अर्थ होता है इसका मतलब विद्युत उपकरण का अर्थ क्या होता है, कह सकते हैं कि 36 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, जो आपका सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरण जो होते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए आपके लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले पर करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। कह रहा है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों क्यों क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ पर वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति विलोम अनुपाती, अर्थात आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति विलोम अनुपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है आपके कह रहा है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो निम्न से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया था हाल ही में, और 40 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, रेडियो तरंगे। जो रेडियो तरंगे होती हैं इनकी आपकी जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध, तो तापमान अगर घटता है तो उस प्रतिरोध का जो आपको होता है प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा, तो प्रतिरोध में परिवर्तन कह सकते हैं कि आपका घटता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, घटता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया डिस्क्राइब करके कि धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है और धातुओं का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है जबकि ताप घटने से घटता है। निष्कर्ष आपसे यहाँ पर जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई की सतह से, मतलब कि जो तुल्यकालीन उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की ऊंचाई से, जो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई से कितनी ऊंचाई होते हैं, तो 42 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके तुल्यकालीन उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। निष्कर्ष आपसे कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है तो आईसी का मतलब कह सकते हैं कि आईसी का जो नाम दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, तो आईसी होता है आपका यहाँ पर एकीकृत परिपथ, अर्थात ऑप्शन आपका सी, एकीकृत आपका परिपथ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि तुल्यकालीन उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है, तो आपके जो तुल्यकालीन उपग्रह होते हैं उनकी परिक्रमण अवधि कितनी होती है, 44 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपका 24 घंटे, अर्थात यहाँ पर भू जो कहते हैं स्थैतिक वो आपका होता है, भू स्थैतिक अर्थात तुल्यकालीन उपग्रह। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में स्नेहक तेल का जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो ये जो करते हैं 45 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी, घर्षण कम करने के लिए, ठीक है, घर्षण कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर देख लीजिए कि स्नेहक दो सतहों के बीच घर्षण को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, आपकी जो शेविंग ब्रश होती है ना, तो जैसे ही पानी से डूबो और बाहर निकालो तो उसकी जो ब्रश के बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? ये इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि इसमें पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण आपकी चिपक जाते हैं, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन जो पैदा होती है वो किससे होती है? भाप से। क्यों होती है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जैसे कि उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, पिघली हुई बर्फ या भाप, तो भाप से होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, अर्थात जब कोई पिंड है सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा? जब वह कह सकते हैं कि आपका वो काला और खुरदरा होगा। कैसा होगा? काला और खुरदरा होगा, वो पिंड आपका सबसे अधिक अवशोषण करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, आपका जो सूक्ष्म तरंग विकिरण होती है, सूक्ष्म तरंग विकिरण होती है, इसकी विकिरण ऊर्जा आपकी न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपका जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, तो माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, आपका यूपीवी और गामा किरण, इस प्रकार से आपका होता है। नेक्स्ट कह रहे आपसे कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो आपकी जो लोलक घड़ियाँ होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 50 का हो जाएगा, आपका सी, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जो लोलक होती है ना उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अर्थात प्रकाश की तीव्रता जो मापते हैं वो लक्स मीटर से नापते हैं, ठीक है, लक्स मीटर से मापते हैं। यहाँ पर देखिए, एनमोमीटर वायु की गति मापता है, ठीक है ना, और कैलोरी मीटर किसी पदार्थ की, जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, और आपका जो लक्स मीटर अभी देखा था प्रकाश का हो गया। अल्टीमीटर क्या करता है? तो आपका जो अल्टीमीटर होता है विमानों अर्थात वायुयान की ऊंचाइयों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपके दिए हैं चारों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए, जो पायर हीलियोमीटर होता है उससे क्या मापते हैं? तो उससे लोग मापते हैं क्या कि जो सोलर रेडिएशन होता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो गया, सोलर रेडिएशन को मापते हैं पायर हीलियोमीटर से। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूछा गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो जो बजाने में निपुण थे किसके, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, वायलिन बजाने में थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो चतुर्थ जो आयाम का परिचय दिया था ये किसने दिया था? तो 54 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है ना, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे स्टीफन हॉकिंस किस क्षेत्र से जुड़े हुए महान व्यक्ति थे, या भी इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, और इसलिए इनकी जो किताबें हैं वो भी आपकी चर्चे में रही थी, ठीक है, और काफ़ी अच्छे ये व्यक्ति भी थे। और ये आपका जो स्टीफन हॉकिंस थे ये किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ऑप्शन राइट आपका विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो आइंस्टीन थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्यों दिया गया था? ये दिया गया था इनके जो कि कह सकते हैं आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण। इसका डिस्क्राइब आपका दिया गया है कि आइंस्टीन एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे, अपने सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है ना, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या दी, ठीक है, इसकी व्याख्या भी दिया। देखो, सापेक्षता, सापेक्षिक जो सिद्धांत थे उसके प्रतिपादन किया था और साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, इसी व्याख्या के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, इसके लिए आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था, तो आपके 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जेड जॉन्स, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका यहाँ पर दिया है, जेड जॉन्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि अभिन्दुकता एक बीमारी है, अभिन्दुकता एक बीमारी है, तो ये बीमारी आपकी होती है जो कि आँखों की होती है, ठीक है, आँखों की आपकी बीमारी होती है अभिन्दुकता। नेक्स्ट कह रहा आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एक यौगिक साइंस स्थित है, ये आपकी कहाँ पर है, आपके बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा आपसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती हैं, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती हैं, 60 का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, कॉस्मिक किरण नहीं पाई जाती, ठीक है, कौन सी, कॉस्मिक किरणें नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्मिक किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
जिसके लिए दृश्य प्रकाश का जो कि दैर्ध्यमान प्रकाश होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 61 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात 390 से आपका 780 एनएम के बीच होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है, अर्थात जो मनुष्य होते हैं वो शोर की एक सीमा होती है, मतलब कि इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बहरे हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 62 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर लगभग आप सबको पता होगा कि आपका 85 डेसिबल के बाद अगर आपको सुनते हैं तो आप बहरे हो जाएंगे, अर्थात ये एक लिमिट होती है 85 डेसिबल। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो समान ताप पर ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है किस पे, आपकी गैस होता है आपको हाइड्रोजन गैस पर होती है, ठीक है ना, अर्थात जो ध्वनि होती है वो आपकी किस पर डिपेंड होती है, वो पदार्थ कैसा, अर्थात ठोस में ज़्यादा होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, ठीक है ना, और जो आपकी ध्वनि होती है वो निर्वात में आपकी नहीं चल सकती, लेकिन प्रकाश आपकी निर्वात में चल सकती है। ध्वनि के चलने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका एक सतह होनी चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपके दिया गया है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, इसलिए हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, समान ताप पर हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होती है, अर्थात यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर मनुष्य की आंख अर्थात नेत्र में संकेंद्रण रखा कह सकते हैं फोकसिंग होती है, ये फोकस जो बिंदु होता है ये कहाँ होता है, ये आपका होता है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, अर्थात आंख के लेंस की उत्तलता अर्थात वक्रता में परिवर्तन से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आंख की जो मनुष्य की आंख होती है इनमें से संकेंद्रण होती है आंख के लेंस की उत्तलता या वक्रता में परिवर्तन से होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखा गया दिया गया है कि आंख की मांसपेशियों को फैलाकर अथवा सिकोड़कर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे आंख नेत्र लेंस की फोकसिंग हो जाती है। 65 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि कह सकते हैं कि आपका जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य छोटी अर्थात कम होती है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आपकी छोटी अर्थात कम होती है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए आपका ये डिस्क्राइब कर दिया गया है, नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य में से आँख की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, तो आँख की सुग्राहिता अर्थात सेंसिटिविटी जो होती है सबसे अधिक होती है ये कितने एंगस्ट्रम के प्रकाश पर, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट आप बी है अर्थात ये 5500 एंगस्ट्रम तक की आँख की सुग्राहिता आपकी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आँख की सुग्राहिता सबसे अधिक हरे और पीले प्रकाश के लिए होती है, हरे रंग का तरंग दैर्ध्य आपका इतना है, ठीक है, और पीले रंग का आपका इतना है, अभी आपको यहाँ पर नीचे बताएंगे तो आपको सभी रंग का तरंग दैर्ध्य भी बता देंगे, ठीक है, अभी तुरंत अब थोड़ा बचा है आपको। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों को होना अधिक उपयुक्त है, मतलब कि एक आँख से भी दिखाई देता है दो आँख से भी उतना दिखाई देता है, लेकिन क्या कारण है, दोनों होना जरूरी है क्यों, तो कह सकते हैं यहाँ पर 67 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, क्या कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता था, दूरी तो पता चलता है साथ में गहराई का भी एहसास हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया है यहाँ पर जो कि आँख से संबंधित आपका दिया है समंजन क्षमता लगाकर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं, तो मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, अर्थात जो मायोपिया होता है दृष्टि दोष एक बीमारी होती है, तो इसमें से क्या हो सकता है कि नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसे मायोपिया होती है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष, वो सिर्फ पास की वस्तु देख सकता है दूर की नहीं, अर्थात नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख पाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर देखिए जो अभी बताया कि दृष्टि दोष या मायोपिया इसे बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, इसके निवारण के लिए उचित क्षमता का होता लेंस या कह सकते हैं आप सारे लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 70 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किस में जाता है, 70 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरे से कांच में, अर्थात हीरे से अगर वो कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं जिनको जरूरी होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए,
अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम माध्यम सघन हो, ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो, ये भी पॉइंट आपका होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि दिए गए माध्यमों का सघनता बढ़ता है निम्न क्रम में, अर्थात वायु, जल, कांच, हीरा, अर्थात इसमें आपका प्रथम आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है 71 नंबर। 71 नंबर आपसे कह रहा है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किसके द्वारा, तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा ही प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके दिए गए हैं कि प्रकाश में जो तरंग दैर्ध्य होती है उसमें से किसकी जो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, तो देखिए आपकी सबसे जो कम है आपकी बैंगनी रंग की है और सबसे ज़्यादा आपकी है किसकी, तो आपकी लाल रंग की है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बैंगनी रंग की जो दिया है 4000 से आपकी 4500 दी गई है एंगस्ट्रॉम तक। जामनी जो होता है आपका इसका 4500 से 5000, बी का आपका 5000 से 5500, मतलब ये का आपका क्रम है आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। और रेड रंग का जो होता है वो 6200 से आपका होता है 7600, अर्थात ये आपका होता है जो कि इसमें। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।